Good afternoon everyone. Today we will do summary and question answers of chapter number 3, The Shepherd's Treasure. Shepherd means गडरिया, treasure means खजाना, जो shepherd है उसका, जो गडरिया उसका खजाना, इसके बारे में हम अभी discuss करेंगे. So let's start. First we will do the summary of this chapter. A poor shepherd once lived in a village in Iran. एक बार की बात है कि जो पूरे यानी कि गरीब शेफर्ड है, गडरिया था, वो कहाँ पे रहता था? एक गांव में रहता था, जो कहाँ पे था? ईरान में. ईरान एक कंट्री का नाम है, जैसे हमारे इंडिया ऐसे ही पाकिस्तान, पाकिस्तान के थोड़ा पाकिस्तान के साइड पे ही है ईरान. नेक्स्ट कंट्री आता है ईरान. He was uneducated but was very wise and helpful. वो पढ़ा लिखा नहीं था, बट वो क्या था? बहुत ज्यादा चलाक था और हेल्पफुल था, मदद करने वाला था. ही बिकेम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज हेल्पिंग नेचर एंड वर्ड्स ऑफ विजडम. वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था किसके कारण? अपने जो हेल्पिंग नेचर है उसके कारण, और जो अपनी उसकी बुद्धिमत्ता है जिससे वो चलाक था, वाइज था, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया. His popularity reached the king and the king decided to meet him in disguise. फिर क्या हुआ? उसकी popularity होगी जब उसके कारण वजह से क्या हुआ? जो king था उसका ईरान का, उसने decide किया कि वो उससे मिलेगा. During his meeting, the king found the shepherd was really wise, warm and caring. Impressed by his humanity, the king made him governor of a small district. उसके बाद क्या होता है? राजा उसको मिलता है. पूरी स्टोरी है ये, क्लियर? राजा उसको मिलता है, वो उसकी हेल्प करता है, राजा की पूरा ध्यान रखता है उसका, तो वो उससे राजा खुश हो जाता है कि यस, ये रियली भी चलाक भी है और हेल्प करने वाला ही है. तो वो क्या है, उसको एक छोटे से जिले का गवर्नर बना देता है. गवर्नर यानी कि जो सबसे ऊपर होता है, उसको चलाने वाला होता है उस डिस्ट्रिक्ट को, उसका गवर्नर. जैसे कि हमारे पूरे इंडिया में प्रेसिडेंट होता है और जो स्टेट में सबसे बड़ा होता है वो होता है गवर्नर, जिसको राज्यपाल बोलते हैं हिंदी में. सून जल्दी ही द शेफर्ड वॉन पीपल्स हार्ट विद हिज विजडम. जल्दी ही उस शेफर्ड ने लोगों का दिल जीत लिया. गवर्नर्स ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट फीलिंग जेलस ऑफ हिम एंड शेफर्ड रूमर्स अबाउट हिम. द रिपोर्टर दैट ही यूज्ड टू कीप अ पार्ट ऑफ द टैक्स कलेक्टर इनटू एन आयरन चेस्ट. जब वो ज्यादा फेमस हो गया तो उसके वजह से जो दूसरे गवर्नर थे और डिस्ट्रिक्ट के, वो उससे जेलस फील करने लगे. तो उन्होंने क्या किया, राजा को रिपोर्ट कर दिया कि जो ये गवर्नर है, ये टैक्स का एक हिस्सा अपने जो आयरन चेस्ट रखता अपने साथ उसमें रखता है, मैं सबको पूरा टैक्स नहीं देता. बॉदर्ड बाय द बेरिड कमेंट्स, वन डे द किंग कॉल्ड द शेफर्ड टू हिज पैलेस एंड आस्क्ड हिम टू ओपन हिज आयरन चेस्ट. पहले तो राजा को विश्वास नहीं होता उस पर, पूरा यकीन होता, बट फिर भी जब इतने ज्यादा कमेंट्स आते हैं गवर्नर्स के, तो वो क्या है, और उसे भी एक कॉमन चीज होती है इसमें आयरन चेस्ट की, वो क्यों रखता है साथ में. तो राजा को भी इच्छा होती है, फिर वो एक दिन उस गवर्नर को, शेफर्ड को जो गवर्नर बन चुका था, उसको अपने पैलेस यानी कि अपने महल में बुलाता है और बोलता है कि अपनी आयरन चेस्ट में इसको ओपन करो. क्या है, आफ्टर ओपनिंग द चेस्ट They found nothing but an old blanket. उसके बाद क्या होता है, उस आयरन चेस्ट को खोला जाता है, उसमें कुछ नहीं होता, एक क्या है, पुराना जो ब्लैंकेट होता, कंबल होता है, वो निकलता है. उसके बाद राजा पूछता है कि आप इतने बड़े गवर्नर हो और इस ओल्ड ब्लैंकेट को अपने साथ में क्यों रखते हो? तो शेफर्ड आंसर देता है फिर. द शेफर्ड टोल्ड द किंग दैट इट वॉज हिज ओनली मनी एंड बेस्ट कंपेनियन. वो बोलता है कि सबसे इसका अच्छा साथी और सबसे महंगी चीज की यही है, बिकॉज क्योंकि जो भी मैं अभी कपड़े पहने हुए हैं, जो आपने दिए हुए हैं मेरे को, ये बनाया हुआ गवर्नर, आप इसको वापस भी ले सकते हो, ये मेरा कभी भी साथ छोड़ सकते हैं, बट ये जो मेरा ओल्ड ब्लैंकेट है, ये मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं इसको हर समय अपने साथ रखता हूँ. रियलाइजिंग द शेफर्ड्स विजडम, काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी, द किंग अपॉइंटेड हिम द गवर्नर ऑफ अ बिग डिस्ट्रिक्ट. उसकी इस ईमानदारी को, उसकी इसकी चलाकी को
और जो उसकी विनम्रता है उसको देखते हुए राजा ने उसको क्या बना दिया, एक बड़े जिले का क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया। सो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। नंबर वन क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज द शेफर्ड्स हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज, शेफर्ड अनपढ़ था वो स्कूल क्यों नहीं जाता था। बिकॉज देयर वॉज वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, बिकॉज उन दिनों में क्या है बहुत कम स्कूल हुआ करते थे, इसलिए जो शेफर्ड है वो भी स्कूल नहीं गया। सेकेंड क्वेश्चन इज हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे एंड वाई, एक दिन शेफर्ड से मिलने कौन आया और क्यों आया, कौन आया था, किंग आया था यान का। द शेफर्ड सून बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, क्योंकि जो शेफर्ड था वो फेमस हो चुका था किसके कारण, अपनी चालाकी के कारण, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, वाइज था, एंड और क्या था, फ्रेंडली नेचर का था, वो सभी की हेल्प करता था। द किंग ऑफ ईरान हर्ड अबाउट हिम एंड विजिटेड हिम, ही वॉज राइडिंग अ मून एंड ड्रेस्ड लाइक अ शेफर्ड। फिर क्या होता है जब उसकी इतनी ज्यादा वो हो जाती है, सभी लोगों में इतना ज्यादा फेमस हो जाता है, तो राजा क्या करता है, डिसाइड करता है कि वो उससे मिलके आएगा। और फिर क्या है, वो एक किस पे, म्यूल, म्यूल होता है खच्चर, ये खच्चर पे चढ़ के और शेफर्ड की तरह ड्रेस पहन के एक गडरिया बन के वहां पे उसके घर पे आता है। म्यूल, म्यूल मीन्स खच्चर। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड, जो दूसरे गवर्नर थे वो जेलस फील क्यों कर रहे थे शेफर्ड शेफर्ड से। बिकॉज द कॉमन शेफर्ड वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, ही वॉज लव्ड एंड ऑनर्ड बाय द पीपल, हिज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड, सो द गवर्नर ऑफ द अदर प्रोविंसेस ग्रू जेलस ऑफ हिम। जब उसको एक छोटे से जिले का गवर्नर बना दिया गया तो लोगों ने उसको बहुत ज्यादा प्यार किया, ये वो लोगों के दिलों में बस गया था इसकी इसी प्रसिद्धि के कारण कि वो इतने ज्यादा फेमस हो चुका है। तो दूसरे गवर्नर थे और प्रोविंसेस मतलब के और जिन जिलों के थे जो, वो उससे जेलस फील करने लगे। व्हाई वाज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस, जो न्यू गवर्नर था उसको महल में क्यों बुलाया गया, जब वो इतना ज्यादा फेमस हो गया दूसरे गवर्नर उससे जेलस फील करने लगे तो उन्होंने उसकी शिकायत कर दी थी। द जेलस गवर्नर पॉइजन द किंग्स ईयर अगेंस्ट द न्यू शेफर्ड गवर्नर, दे रिपोर्टेड दैट द न्यू गवर्नर वॉज डिसऑनेस्ट एंड ही ऑलवेज कैड हिज इल गॉटन ट्रेजर इन एन आयरन चेस्ट, सो द किंग कॉल्ड हिम टू पैलेस टू सी दैट ट्रेजर। सेम वही, जब वो जेलस फील करने लग जाते हैं दूसरे राजा गवर्नर, तो वो राजा को शिकायत कर देते हैं कि वो एक अपने पास आयरन चेस्ट रखता है। आयरन चेस्ट का मतलब होता है एक थैले के लिए यूज किया गया, एक थैला जैसे कि बोरी होता है, एक थैला होता है उसकी, उसको अपने साथ रखता है। तो उसमें वो आप क्या है, जो एक टैक्स का एक हिस्सा है जो टैक्स कलेक्ट करके देते हैं गवर्नर्स, वो उसमें रखता है हर समय। तो राजा को भी इच्छा होती है देखने की कि उसमें कैसा कौन सा खजाना है आयरन चेस्ट में, कि शायद सोना गोल्ड सिल्वर होगा, तो वो उसको कॉल करता है, इनके अपने महल में बुलाता है। नेक्स्ट, व्हाई वाज एवरीवन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक, सभी को इच्छा क्यों, क्या इच्छा होती है, क्यों होती है कि जो इसकी कैमल पे आयरन चेस्ट है कि जो थैला सा टंगा हुआ है उसमें देखने की इच्छा होती है। जब वो उसको कॉल करते हैं शेफर्ड को यानी कि गवर्नर को, न्यू गवर्नर को, तो क्या होता है वो अपने कैमल पे आता है जिस पे आयरन चेस्ट होती है यानी कि वो थैला होता है। दोज हु वर प्रेजेंट इन द पैलेस, जो भी महल में होते हैं लोग, थॉट दैट द आयरन बॉक्स कंटेन वैल्यूएबल्स, सभी सोचते हैं कि इसमें वैल्यूएबल मतलब कि सोना चांदी होगा। इफ देयर रिपोर्ट प्रूव ट्रू, अगर उसकी रिपोर्ट सच हो जाती है जो उन्होंने शिकायत की हुई है दूसरे गवर्नर्स ने, द किंग वुड डिसमिस द शेफर्ड, सो दे वर डिलाइटेड, दे वेटेड अनएक्सेस टू सी द कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स। तो क्या होता है
ये सच होगी, अगर ये रिपोर्ट जो उसने किया तो राजा उसको डिसमिस कर देगा, यानी कि गवर्नर के पास से हटा देगा, तो जो दूसरे राजा से होते हैं उनको बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है कि अब ये फंस चुका है। नेक्स्ट, हाउ डिड द किंग रिवार्ड द न्यू गवर्नर, न्यू गवर्नर को कैसे रिवार्ड किया, मिल इनाम दिया या कैसे भी किया वो बताना है। द किंग वॉज हाईली प्लीज विद द न्यू गवर्नर ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी, ही रिवार्डेड हिम विद द प्रमोशन, ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिग प्रोविंस द सेम डे। तो फिर क्या होता है, जब वो उसमें से कुछ नहीं लगता, ओल्ड ब्लैंकेट निकलता है, तो वो राजा बहुत ज्यादा खुश होता है उसकी ईमानदारी पे। तो फिर क्या करता है, वो उसको रिवार्ड में क्या देता है, प्रमोशन दे देता है। प्रमोशन में पहले वो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर होता है, अभी वो क्या हो जाता है, बड़े डिस्ट्रिक्ट का, उसको बिग डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया जाता है। नेक्स्ट, सेवंथ क्वेश्चन इज, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट इज, व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन, आयरन चेस्ट में क्या होता है। आंसर इज, द आयरन चेस्ट कंटेन ओनली एन ओल्ड ब्लैंकेट, उसमें सिर्फ एक पुराना कंबल होता है। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट, शेफर्ड हर समय इसको साथ में क्यों रखता था। द शेफर्ड ऑलवेज कैरीड हिज ब्लैंकेट इन द बॉक्स बिकॉज इट वॉज हिज ओल्डेस्ट एंड टाइम टेस्टेड फ्रेंड, इट वुड प्रोटेक्ट हिम इन केस द किंग टुक अवे हिज पोस्ट एंड पावर। वो उसको अपने सबसे अच्छा दोस्त मानता था कि वो उसे कभी साथ नहीं छोड़ेगा, अगर राजा ने उससे सारी पावर्स वापस ले ली तो वो उसके साथ कंबल जो हमेशा रहेगा, इसलिए वो उसे अपने साथ रखता था। लास्ट इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ, क्या उसके शेफर्ड की एग्जाम्पल है किसकी, उसकी चलाकी की या फिर जो भी उसकी विनम्रता है उसकी या फिर दोनों की, जब ओल्ड ब्लैंकेट निकला था। Yes, it is an example of shepherd's humility as well as wisdom. इसकी example है क्योंकि वो ईमानदार निकला और विनम्रता वाला निकला। Done. Thank you. Question answers of this chapter have been completed.